से ठीक हुए, खुश होंगे। और आज सुबह से लगी हुई काम में, अब थक गई, कमर में दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा, पूरा घर हो गया साफ। अभी पर्दे वर्दे जो सोफों के कवर बेडशीट वगैरह चेंज की तो वो धुलने लग रहे हैं, थोड़े से ही रह रहे हैं बस, तो सारे धुल गए। और टाइम देखो, मैं कैमरे से दिखाती हूँ, ये देखो 3 बजने वाले हैं टाइम। आज इतने सारे कपड़े वॉश किए, धुले सारे, पोछा वोचा सब कुछ कर दिया। अब उस कपड़ों की भाई कपड़े धो के पायदान ला रहे हैं, ये कुछ बेडशीट वगैरह धुल दिया, सूख गई ना, यहाँ रख दी मैंने। और ये बाहर बालकोनी आ रही है, बालकोनी कपड़े वॉश करते हैं, उसके अलमारी का कवर और बेडशीट सोफों के कवर सारे और कुछ ये रह रहे हैं, धुलने लग रहे हैं, मशीन में पड़े उन्हें और धो के तब मिलते हैं, तब नहा के आऊँगी। बहुत ज़्यादा काम फैल रहा है सच में, घर में कुछ करा तो लो, काम इतना ज़्यादा फैल जाओ समझ नहीं आता कैसे ख़त्म करें उसे, कैसे नहीं। ये देखो सारे को पोछा वोछा करके क्लीन कर दिया आज। इस अलमारी का भी मैंने कवर धो दिया है, ड्रेसिंग का भी सारा, तो अभी सूख जाएगा ना जब डालूँगी। मंदिर क्लीन हो गया, किचन में थोड़ा सा वो बाकी का जो अटरम सटरम से फालतू सामान वो अभी मैंने स्लेब पर रख के फिलहाल इसे नहाने के बाद करूँगी, जहाँ जहाँ सेट करना है थोड़ा, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा हो जाना किचन में सेट करने में, माँ भारत है पता नहीं चलता क्या चीज़ कहाँ रखे। और जो हमारा वो कांच वाला चूल्हा था ना वो टूट गया, उसका पीछे से पाइप का वो हट गया जहाँ से सिलेंडर का पाइप लगता है, तो उसे ठीक कराएंगे। अभी पुराने वाला चालू किया घर, वैसे तो सारा काम हो गया, बस यही है कि किचन का थोड़ा सा सामान ये जो बाकी है ना ये फालतू पड़ा, तो इसको रखेंगे मैं उठा के, पहले पायदान और जो बाकी बचे हुए कपड़े हैं वो कर दूँ, उसके बाद फिर ना आगे तब करूँगी इसको। तो ये देखिए जी, अब आई हूँ नहाकर और टाइम हो गया है 4:30 बजे का, पर थोड़े से बर्तन रह गए बस, स्लेब पे जो रखे थे वो भी सारा सामान सिंगवा दिया मैंने, वो इसलिए रह गया क्योंकि टैंक का पानी हो गया ख़त्म। सुबह से कपड़े कपड़े धुल रहे हैं, बहुत सारे कपड़े वॉश किए, बेडशीट वगैरह और सारे वो पोचा लगाया है, सोफों के कवर वो सारा, बहुत ज़्यादा थक गई। वैसे घर बहुत क्लीन होगा, क्लीन होने के बाद अच्छा भी बहुत लगा। और कल को है होली, कल को तो पूरा ही दिन बिजी रहेगा क्योंकि पहले खाना पीना बनाने के बाद जाएंगे हम देवताओं पर और फिर उसके बाद जाएंगे मंदिर में होली ठंडी करने के लिए, तो पूरा दिन ऐसे ही बिजी चला जाएगा आज। ये देखो ये बर्तन रह रहे हैं जो साफ़ होने, अभी पानी नहीं है ना, टैंक खाली हो गया, लाइट आएगी तब करूँगी इनको साफ। जब पूरा घर क्लीन हो जाना, वैसे मन भी बहुत लगा देखने में उसे, मेरा तो बहुत लगा। और कई दिन से जब घर में कुछ काम करा धूल ही धूल चढ़ी पड़ी थी सारे को, आज बहुत टाइम लगा साफ करने में। तगत की मैंने बेडशीट चेंज कर दी और ये वाली ये गर्म है, इनको मैं उठा कर रखूँगी, धुल दी है मैंने, ऊपर छत पे रखे ब्लैंकेट और रजाई सुखा रखी मोटी मोटी, वो रखूँगी उठा के, बारीक वाले निकालूँगी जो एसी वाले हैं। और बालकोनी भी पूरी क्लीन कर दी, सब पायदान वायदान सब। अभी मैं जा रही हूँ छत पर, जो ऊपर ब्लैंकेट वगैरह सुखा रखे थे उनकी तह बना के रख के आऊँगी और उनको बाद में रखूँगी, उठाकर संदूक में रखूँगी। और बारीक वाले ब्लैंकेट मैंने निकाल लिए, जो एसी वाले होते हैं वे निकाल रखे हल्के हल्के से, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी ना एकदम से स्टार्ट। तो ये देखिए धूप में डाल रखे थे मैंने आज सुबह से ही, तो इनको अच्छी खासी धूप निकल गई, वैसे तो इन पर ड्राई क्लीन होएगी, तो अभी मैंने धूप ही लगा कर रख दिया है इनको। और आज का व्लॉग बस यही, व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट भी कर देना, मिलते हैं और अच्छे से।
और ये देखिए यहाँ पे मंगवाए थे ब्रेड पकोड़े, क्योंकि आज पूरा दिन काम काम में निकल गया तो अभी खाना बनाने की हिम्मत नहीं थी। फिर बच्चे भी बोल रहे थे मम्मी ब्रेड पकोड़े लेके आए, तो गांव में शॉप है वहाँ से लेके आए थे, गरम गरम बन रहे थे, अभी हम खाएंगे सभी बैठकर ब्रेड पकोड़े। आ जाइए आप लोग भी। तो ब्लॉग बस यही है, ब्लॉग अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर कमेंट भी कर देना, और चैनल पर न्यू आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं और अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को मैं राम राम।